हेलो फ्रेंड्स, तो जितने हमारे क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में बाकी हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, शब्द संक्षेप और ये पूर्ण रूप है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, वैट्स, वायस, एक्टिविटी डिटेक्शन, ठीक है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है ये हमें बताना है, ठीक है। तो URL का नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा, है ना। ऐसा है ही नहीं कोई व्यक्ति जो URL का नाम ना सुना हो। तो फिलहाल इसमें से तीनों ऑप्शन आपके, यानी कि 1, 2 एंड 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की महत्वपूर्ण रडार प्रणाली नहीं है। ऑप्शन ए रोहिणी, बी अपर्णा, सी शांत या डी संग्राम। तो इनमें से कोई एक नहीं है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो फिलहाल सही है, जो भारत की रडार प्रणाली की महत्वपूर्ण रडार प्रणाली नहीं है तो वो संग्राम नहीं है, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा, है ना। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिससे कि जो पायल होती हैं वो काली होने लगती हैं, या चांदी की जो वस्तुएं होती हैं आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि ये सही है या गलत है। तो ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है। ऑप्शन ए जैंथोफिल, बी लाइकोपीन, सी एंथोसाइनिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी में जैंथोफिल वर्णक होता है, टमाटर में लाइकोपीन और सेब में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में आपको चार क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं। हल्दी में जो वर्णक होता है वो तो जैंथोफिल होता है, लाइकोपिन आपको पता ही है टमाटर में होता है, एंथोसाइनिन इसको भी बताया है कि जो सेब में लाल रंग का कारण है वो एंथोसाइनिन है। तो देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा कि टमाटर में लाल कलर तो लाइकोपिन, टमाटर का लाइकोपिन अलग है और सेब में लालपन का एंथोसाइनिन अलग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऑप्शन ए मेनिनजाइटिस, बी हर्पीज, सी सिजोफ्रेनिया या डी पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये बीमारी, हमने देखी हुई कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो सीजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है, ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा है, रोग है और ये कारक है, पेचिस, प्रोटोजोआ, डिप्थीरिया, विषाणु, कोढ़, जीवाणु, एथलीट फुट, कवक। तो यहाँ पर कोई एक सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। देखिए जो डिप्थीरिया है आपकी, ये श्वास नली से संबंधित रोग है और जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है, तो इसलिए आपका बी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ये हैं आविष्कार और ये हैं आविष्कारक, यानी कि इन आविष्कारों ने ये आविष्कार किए हैं, ठीक है। चेचक टीका, एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच बैक्टीरिया, ल्यूविन हॉक, पोलियो वैक्सीन, जॉन सॉल्क। तो हमें इसमें से सही आंसर चुनना है। पहली बात तो अगर आपने इनमें से किसी एक का भी नाम आपको याद है तो आप पहले कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से आंसर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर किसी किसी भी एक ऑप्शन को आप लॉक करते हैं तो उस तरीके से आप आंसर पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे, तो वो थोड़ा सा आप देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। यहाँ पर फिलहाल आविष्कार और आविष्कारक दोनों ही सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। चेचक टीका एडवर्ड जेनर ने किया, ईजाद किया, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, यानी कि सही सुमेलित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। वर्तमान में दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता, कारण दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। नीचे कथन सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए अभी कथन ये तो सही है परंतु कारण गलत है। वह पोषण जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, तो
तो संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्राइड या सोडियम बेंजोएट? खाद्य पदार्थ, ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य कथन है? ऑप्शन ए, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन बी, पल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, या डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। ठीक है, सिरा में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा इसका अपवाद है, यानी कि उसमें नहीं बहता है। पल्मोनरी सिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर केवल बी, यहाँ पर असत्य पूछा गया, तो बी असत्य है क्योंकि पल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए अफीम, बी केसर, सी लौंग या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाम तो बहुत अलग सा है, ऐसे लग रहा है कि क्या ही क्वेश्चन बन रहा है ना। तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ये इन्होंने पूछा है। तो फिलहाल केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्लथैल्मिया रोग में ऑप्शन ए आंखों के रॉड और कोन समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी कार्निया खराब हो जाता है, ऑप्शन सी आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है, या ऑप्शन डी आंखों के लेंस पर धब्बे आ जाते हैं, है ना। आई होप आपने नाम सुना होगा, तो सी आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां 28, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्म, प्रत्येक उपस्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली पेरिकांड्रियम, या डी मनुष्य में पसलियां 12 जोड़ी। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है ये भी हमें बताना है, और हमें इनके बारे में भी अच्छे से जानकारी लेनी है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है, यहाँ पर इन्होंने 28 दी हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 29। ओके, यही हमारा असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी लार ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि या डी अधिवृक्क ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आ चुका है, आप अगर चेक करोगे या आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन ये पूछता, फिलहाल तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अगर है पूछता तो आपकी पीयूष ग्रंथि होती, इसने पूछा है नहीं है, नहीं में लार ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि में आपकी पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ये तीनों ही ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, नहीं है लार ग्रंथि। ओके, दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन द्वारा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण होता है? ठीक है, ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि। ओके, निम्न में से किस एक को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड, कार्बोरेंडम, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइड। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकन कार्बाइड या कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। वाह, नाम अच्छा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए नींबू, बी पशु वसा, सी सिरका या डी दूध में। ब्यूटेरिक अम्ल ये भी पूछा गया है, बट इसमें कई सारे को लाइन से दे करके वन बाय वन पूछा गया है ना। तो ब्यूटेरिक अम्ल के वसा युक्त अम्ल है जो पशु वसा और वनस्पति तेलों में पाया जाता है, और ये तब बनता है जब आंत में अच्छे बैक्टीरिया आहार फाइबर को तोड़ते हैं।
यानी कि बी पशु वसा। ओके, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सेलिनोमीटर, बी सोलरीमीटर, डी साइक्रोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत क्लोजेस्ट नाम है, ऐसा लगता है कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी हो सकता है ना, क्लोज आंसर में यही होता है। तो फिलहाल सोलरीमीटर से विकिरण को मापा जाता है, सौर विकिरण को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य के सामान्य आहार में पाया जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है जो यकृत कैंसर के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए वेनेडियम, बी टिट्रियम, सी वेसुनेट या डी वोल्पलैक्स। ठीक है, तो अगर आपने नाम सुना होगा तो वेनेडियम, वेनेडियम मनुष्य के सामान्य आहार में पाया जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, जो यकृत कैंसर के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्राप्त किससे होता है? अनाज, दूध, मशरूम एवं समुद्री भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, है ना। तो कथन कारण का है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कारण, यह सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर है। ठीक है, तो हमें सही आंसर का चुनाव करना है, कथन ए और कारण और दोनों सही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां, जीरोफाइट, बी अधिक आर्द्रता में आर्द्रता क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां हाइग्रोफाइट, थ्री लवणीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां हेलोफाइट। उपरोक्त में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? ओके, तो फिलहाल डी यानी कि जो तीनों ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अप्सरा, साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा इत्यादि हैं। ऑप्शन ए परमाणु रिएक्टर, बी तेल शोधन शालाएं, सी भूतलकालिक उपग्रह या डी अंतरिक्ष यान। ऐसे नाम होते हैं जो कभी कभी न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले बनते हैं। तो परमाणु रिएक्टर, अभी कुछ कुछ आयोग ने कम कर दिया है, अब वो दूसरी दूसरी तरीके से पूछने लगे हैं, पर बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन डी मिक्स डीमा रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प श्रावण से होता है, बी जड़ मानवता रोग शिशु अवस्था में थायराइड के अल्प श्रावण से होता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ओके, तो फिलहाल हमें इसका जो आंसर बताना है, चयन करना है, वो सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सेब, मैलिक अम्ल, इमली, टार्टरिक अम्ल, अंगूर, लैक्टिक अम्ल, बिच्छू का डंक, फार्मिक अम्ल। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर इमली विटामिन सी का स्रोत है, इमली खट्टी होती है, तो टार्टरिक अम्ल दिया है, तो आप गेस कर सकते हैं कि अंगूर भी तो खट्टे ही होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल कैसे हो जाएगा? लैक्टिक हो जाएगा दूध का अंगूर। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, मतलब कि सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें। ऑप्शन ए जोंक, केचुआ, केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी। उपरोक्त में से कौन से एनेलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है? ये अगेन PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वैसे जो एनेलिडा संघ शब्द है, ये इस शब्द को सबसे पहले लैमार्क ने यूज किया था, और आपका ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि फर्स्ट और जो केचुआ, ये एनेलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एप्पल स्नेल, घोंगा, कटल फिश, सीपिया, डेविल फिश, ऑक्टोपस, है ना, डेविल फिश, ऑक्टोपस और समुद्री चूहिया डोरिस। तो यहाँ पर भी कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। देखिए समुद्री चूहिया काइटन और समुद्री नींबू डोरिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लाल रुधिर कणिकाओं के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक के कारण इसका रंग लाल होता है। और डी सभी कथन सत्य हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के संबंध में जितने भी कथन दिए गए ये सत्य हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का नहीं है।
ऑप्शन ए ये मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं, ऑप्शन बी यह डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसी संवहन का कार्य करता है, डी यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसी संवहन का कार्य करता है, ये जो है ऑप्शन सी ये इसका सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का आपको पता ही है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये हम सब ने पढ़ी रखा है ना। चलिए देखिए जो इस तरीके से बना के देते हैं ना, ये 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं और मैंने देखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये तो फेवरेट है आयोग का। सूची फर्स्ट को मिलान करना है, ये रासायनिक नाम है, ये विटामिन है। कभी कभी क्या करते हैं विटामिन दे देते हैं, उनके कारण होने वाले रोग के नाम दे देते हैं। ओके, तो दोनों को तैयार करना, आप केवल इसी को नहीं तैयार करना है। ऑप्शन ए फ्लू की भी नून है आई थिंक, विटामिन ए। टोकोफ्राल है विटामिन सी। एक्सेरोफाइटाल है विटामिन ई। एस्कार्बिक एसिड विटामिन के। तो किसकी कौन सी विटामिन से कौन सी विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, ये हमें यहाँ पर मैच करना है। फ्लीकोविनीन विटामिन के। ओके, तो A4, अच्छा 2 जगह दिया गया है। बी टोकोफ्रॉल विटामिन ई, यानी कि आपको ऑप्शन हाँ आई थिंक ए, हाँ सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला परिसंचरण तंत्र होता है, ऑप्शन ए खुला परिसंचरण तंत्र, बी बंद परिसंचरण तंत्र, सी बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र, या डी खुला तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र। ओके, देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन ए एजेस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, या डी एंड्रोजन, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, आपका जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये हार्मोन का स्राव करता है और कोशिकाओं द्वारा यह होता हुआ जाता है, तो इसी से गर्भ के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है, ठीक है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नेफ्रान वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, बी नेफ्रान ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी आयोडीन, सी आयरन, या डी टोकोफेरॉल, ठीक है वही टोकोफेरॉल जो अभी आया था। तो फ्लोरीन की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसका मुख्य स्रोत पीने का पानी, समुद्री मछली एवं चाय है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये तो सबको पता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है जिसे ग्वाइटर या घेंगा कहा जाता है, ये भी पता है। टोकोफेरॉल की कमी से बांझपन एवं नपुंसकता आ सकती है, शायद ये कभी किसी किसी को नहीं पता होगा तो यंगस्टर्स जरूर सुन लें, है ना। तो वैसे ही बीमारियां घेर रखा है बहुत सारी चीज़ों की कमी से, जब से लोगों ने चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर को अपना खाना बना लिया है तब से ये समस्याएं बहुत देखने को मिल रही हैं, है ना, आप लोगों को भी मिल रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोपों से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, कारण एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड एवं अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष से ही संभव है। साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, फिर चीज़ें समझ में आ जाती हैं क्योंकि और कई सब्जेक्ट को हम डेली डेली बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वो शब्द ऐसे लगते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा इसको तो हमने सुना था कहीं ना कहीं, ऐसे हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, ऑप्शन ए हृदय रोग का, बी उच्च रक्तचाप का, सी अस्थियां कमजोर होने का, या डी डिप्रेशन का। तो
गेस करेंगे तो आपको इसका 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 तो कम है और इसका लग रहा होगा ऑप्शन, यानी उच्च रक्तचाप का, हृदय रोग का। पर देखते हैं गेस हमारा कितना सही जाता है। तो लंबे अंतरिक्ष यात्रियों में गुरुत्व बिल्कुल कम होता है। अच्छा, इससे अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय व अस्थियों में घनत्व तो कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व तो कम होने से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ये तो काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अच्छा, हमने तो आज तक इतना ध्यान नहीं दिया कि सूर्य की दिशा के विपरीत दिखाई देता, अब अगर बनेगा तो मैं ज़रूर ध्यान दूंगी, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन सेकेंड, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट बैंगनी एवं लाल होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। थोड़ा सा इंक ज़्यादा हो गई है तो ये शब्द कोई कोई क्लियर नहीं दिख रहे हैं ना। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ अपनी अच्छी अच्छी आँखों से पूरे क्लियर देखने की और बताने की। तो यहाँ पर जो आंसर महोदय वो कह रहे हैं कि सभी कथन सत्य, यानी उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, यदि सूर्य पूर्व में तो यह पश्चिम में, तथा यदि सूर्य पश्चिम में तो यह पूर्व में। ओके, हाँ, 12 बजे सीधे सर के ऊपर जब सूर्य होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता, इसलिए इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता। इंद्रधनुष में 10 रंगों का क्रम, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। चलिए ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और आ गया। बैंगनी रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दर्द सबसे कम होता है, असत्य कथन का चुनाव करना है। तो प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन असत्य हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दर्द से होता है, लाल रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है। वही तो हम भी कहें, ऐसा कैसे हो सकता है। सी, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, असत्य चुनना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, श्यानता बढ़ जाती है, बी, श्यानता घट जाती है, सी, श्यानता अपरिवर्तित रहती है, डी, श्यानता पहले ज़्यादा बाद में, पहले बढ़ेगी बाद में घटेगी, है ना। तो ऑप्शन बी, श्यानता घट जाती है। मैं आप लोगों से परमिशन चाहती हूँ कि ये थोड़े से हमारे 5 क्वेश्चन इंक की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, कोई कोई शब्द सही से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इनको हम 2-5 क्वेश्चन को कम कर देते हैं, है ना। देखिए ये थोड़ा सा ठीक है। क्या होता है ना, कई बार शब्दों का चयन या शब्द कुछ और लिखे होते हैं, हम कुछ और समझ के बताते हैं, या इसमें भी कई बार आंसर मिसमैच होते हैं। तो एक बार एक महोदय जी ने कहा था कि आप इस तरीके से गलत ना पढ़ाएं, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कभी भी कोई अगर सीरियस व्यक्ति है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा एक भी शब्द कोई गलत हो। हाँ, कई बार गलती से कोई गलती हो जाती है तो फिर उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कि अगर गलत आंसर प्रिंट है और हमने अगर उसको बहुत गौर नहीं किया तो वो हमारे मुँह से निकल जाता है, क्योंकि हम तो वही पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं जो इसमें लिखा गया है और जो हमने पढ़ाई की अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से सीखा है ना। तो ऐसा कभी हमारा इंटेंशन नहीं होता कि हम गलत कुछ भी बताएं किसी को भी। तो इसलिए मैंने 6 से 5 क्वेश्चन स्किप करने का चाहा, कि ऐसा ना हो कि उसमें कुछ और लिखा हो और फिर हम कुछ और बोल दें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विटामिन है और ये रासायनिक नाम है। देखिए अभी हमने इसके पहले इसी तरीके से देखा था, है ना। विटामिन B6 कैल्सिफेरॉल, विटामिन B2 टोकोफेरॉल, विटामिन D राइबोफ्लेविन, विटामिन E पायरीडॉक्सिन। तो यहाँ पर सही आंसर को चयन करना है, सही आंसर का चयन करना है ना। फिलहाल आपका आंसर D सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपको ये बात जान लेनी है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, देखिए आज आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। आज क्या, मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। देखिए टाइम हो रहा है 12:07, है ना, मंडे, यानी कि दूसरा दिन लग गया है। ठीक, और मैं अभी इस समय बना रही हूँ वीडियो, वो भी कोई वैसे नहीं पढ़ने लिखने वाले, है ना।
तो जब कई बार कुछ लोगों को लगता है ना कि ये ऐसे ही, तो ऐसा नहीं है। 12:07 हो गया है, 12:30 बज जाएगा इसको बनाने में, कंप्लीट करने अपलोड करने में बच जाएंगे 1:30, ठीक है। इसके बाद में 1:30 से 2 बजे मैं सोऊंगी, तो सोचिए कैसे क्या। और मैं भी अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, है ना। तो बहुत सिंपल नहीं होता है, 1-2 मिनट नहीं लगते हैं, थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा। चलिए। और देखिए, मैं भूत के तरीके अकेले लगी हूँ, कई लोग सो गए हैं, कई लोग मेरी आवाज़ सुन के सोचते हैं ये क्या बोल रही है रात में, है ना। चलिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं। ये है संस्थान के नाम और ये है मुख्यालय। जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई, मजगांव डाक लिमिटेड हैदराबाद, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कोलकाता, गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड बंगलुरु। तो आपको कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मुझे एक चीज़ ज़्यादा याद है, मजगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। अब देखते हैं B1। देखिए यहाँ पर B1 के 2 ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर अगर हम बी से जाते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये। एक चीज़ मुझे और याद है, बस 2 ही चीज़ें इसमें याद है, अगर मुझे गेस करना है किस तरीके से, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये आपकी कोलकाता में है, ठीक है। तो अगर A3 और B1, देखिए A3 एक ही जगह आ रहा, हम सीधे आराम से इसमें जा सकते हैं और ये हमारा आंसर भी सही होगा। यस, ये सही है, ठीक है। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में, 1982 में, 1958 में, 1970 में, है ना। तो रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक, कॉपर, आयरन, पारा। कैलामाइन के बारे में बात हो रही, कैलामाइन जिंक का एक अयस्क है, ओके। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और कारण। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है, कारण यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो हमें यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर भी कथन ये और कारण आर आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, ठीक। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन 3, उदासीन विलयनों का पीएच मान 7 होता है। असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छी ली गई है, पर सभी कथन आपके यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं। आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिन मिश्रित द्रव्यों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उनका पृथक्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि, वर्णलेखन विधि, आसवन विधि या क्रिस्टलन विधि, है ना। तो जिन मिश्रित द्रव्यों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उनका पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? ग्वानाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल, एडेनाइन, है ना। तो डीएनए में थायमिन एवं साइटोसिन तथा आरएनए में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है, फिर आरएनए में यूरेसिल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन ए म्यूरियोटिक अम्ल, बी यू क्लोरीन, सी प्रतिक्लोर या डी फ्लोरीन, ठीक है। तो हम इसमें से सही आंसर बताना विरंजीकरण के बाद का, ठीक है। देखिए, क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का जब विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के जो बचे हुए आधिक को समाप्त करते हैं ना, तो उसके लिए प्रतिक्लोर का प्रयोग किया जाता है, प्रतिक्लोर कहलाता है, ठीक है। क्लोरीन ऑक्साइड तथा क्लोरीन के मिश्रण को यू क्लोरीन कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, बी चाल, सी आवृत्ति या डी आयाम। यहाँ पर आपका बी सी ऑप्शन ही सही है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल आयाम तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HL द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, इसका नाम है प्रचंड, विक्रांत, अजय या वॉरियर।
आई थिंक ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट पढ़ दिया है तो फिर आंसर ए हो जाएगा, प्रचंड। कुछ क्वेश्चन की इंक की वजह से प्रिंटिंग बहुत ख़राब है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो पृष्ठ तनाव है वो घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर वह, ऑप्शन ए सुस्त हो जाएगी, बी उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, सी ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना? तो सी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन ए गामा किरण, बी अवरक्त विकिरण, सी पराबैंगनी किरण, या डी ध्वनि तरंग। तो देखिए, जो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वे निर्वात में भी संचारित होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे कि एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण इत्यादि। तो यहाँ पर आपकी इन्होंने यहाँ पर ध्वनि तरंग दिया है और चुंबकीय तरंग नहीं है। हाँ, तो चुंबकीय तरंग ये तीनों है, ध्वनि तरंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि कोई 10 मीटर सेकंड से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, ऑप्शन ए 5 मीटर से, बी 20 मीटर से, 25 मीटर से, या 0.5 मीटर से, है ना? तो इसमें भी आपका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी 20 मीटर से। ठीक है, इसका आंसर 20 मीटर से हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, विद्युत फ्यूज, टिन प्लस सीसा, विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, डायनमो और विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। तो सही सुमेलित है, इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ए विद्युत फ्यूज, टिन प्लस सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आप देखते हो ना दिवाली में जब पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं, है ना, तो ग्रीन कलर निकलता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ऑप्शन है स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, नाइक्रोम, फ्रांसियम, है ना? तो आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग, बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है, ऑप्शन ए वाटर गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, प्राकृतिक गैस मीथेन प्लस इथेन, या डी सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो डी सभी सही सुमेलित हैं। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है, ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर क्लोराइड का, सी सिल्वर ब्रोमाइड का, या डी सिल्वर सल्फेट का, है ना? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का लगाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, झूठा सोना, प्लेटिनम, सफ़ेद सोना, लेड ऑक्साइड, क्विक सिल्वर, आयरन पायराइट्स, या लिथार्ज पारा। तो सूची को मिलाना है यहाँ पर A3, झूठा सोना, आयरन पायराइट्स। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सफ़ेद सोना, प्लेटिनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या करते हैं ये लोग, लास्ट में 10 से 12 क्वेश्चन करंट के दे देते हैं जो हमारे काम के नहीं है। तो हम यहीं से वीडियो को स्टॉप करते हैं, इसके बाद में न्यू टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम चल रहा है, इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।